अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ में कौन कौन सी बुक लगती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो मैं एक एक करके सारी बुक्स दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनाटॉमी, जो कि मेरे पास बीडी चौरसिया की है, वॉल्यूम 1, और ये है वॉल्यूम 2, ये है वॉल्यूम 3, ये है वॉल्यूम 4। एनाटॉमी आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई सी भी बुक से, लेकिन हम लोग ज़्यादा इसी से पढ़ते हैं, बीडी चौरसिया बेस्ट होती है। और फिर अब बारी आ गई है मेडिकल फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी की बुक मैं शंभु लिंगम की ही पढ़ रही हूँ, हम लोग की बैच में सब यही पढ़ रहे हैं। तो एनाटॉमी हो गया और ये फिजियो हो गया। अब बारी आ गई है सारे उर्दू सब्जेक्ट की। फिजियो में दो पार्ट होगा, फिजियो फर्स्ट एंड फिजियो सेकंड। और ये है तारीख तिब, ये उर्दू की बुक है, इसमें सब उर्दू में लिखा हुआ है। और ये हिस्ट्री टाइप की होती है, तो इसको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा रहता है। और ये है मंतिक व फलसफा, ये भी उर्दू की बुक है, ये काफ़ी टफ है। और ये है उसूले तिब, उसूले तिब से हम लोग उमूरे तवैया पढ़ते हैं, उमूरे तवैया भी उर्दू ही है। और अब बारी आ गई अरबी की, जो कि सबको बहुत टफ लगती है, क्योंकि किसी को अरबी आती नहीं है। ये अरबी की बुक है और तिब्बी अरबी रीडर हम लोग ये लिए। अरबी के अलावा एक उर्दू की भी होती है। पेपर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों का कुछ चेंज हुआ है फर्स्ट प्रॉफ में। तो पहले अरबी और मंतिक का पेपर एक ही में होता था, लेकिन अब अरबी और उर्दू का पेपर एक में होगा, उमूर तवैया का अलग होगा, और फिर जो फर्स्ट एक दिन रहेगा और फिर जो सेकंड दूसरे दिन, और फिर एना फर्स्ट एक दिन रहेगा और एना सेकंड दूसरे दिन रहेगा। तो ये है बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ की सारी बुक्स जो हम लोग को पढ़नी पड़ती हैं। और 1.5 साल का ये कोर्स है, ये सारी बुक्स आप लोग को लेनी होंगी अगर आप लोग बीएमएस करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।